नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करके चलूँगा कि मेरा जो लास्ट एनालिसिस था वो क्या था और मैं आपको क्या बता के चल रहा था। देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ से चार चीज़ों का एनालिसिस किया था। लास्ट एनालिसिस के अंदर मैंने आपको निफ्टी 50 के बारे में बताया था, बैंक निफ्टी के बारे में बताया था, फाइनेंस निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। मेरा क्या व्यू था एक बार मैं आप लोगों के साथ में रिपीट करता हूँ। दोस्तों, निफ्टी को लेकर मेरा व्यू था कि निफ्टी 25,000 से 25,100 के बीच में कंसोलिडेट करेगा और कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ऊपर के लेवल पे हमें रेजिस्टेंस फेस करते हुए निफ्टी दिखाई देगा। मतलब निफ्टी के स्टॉक्स को देखते हुए मेरे को निफ्टी अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था। दोस्तों, बैंक निफ्टी है हालांकि काफ़ी ज़्यादा बुलिश था और बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा मतलब बाइंग का सेटअप बन भी रहा था, लेकिन 52,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये मैं आप लोगों से शेयर करके चल रहा था कि 52,000 को क्रॉस करने की जब बैंक निफ्टी कोशिश करेगा तो वहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों, ऐसा हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया। दोस्तों, अगला मेरा व्यू फाइनेंस निफ्टी को लेकर था। फाइनेंस निफ्टी के लिए मैं आप लोगों से शेयर करके चल रहा था कि 23,900 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा फाइनेंस निफ्टी के लिए। हालांकि फाइनेंस निफ्टी को लेकर मेरा व्यू थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन 23,900 मतलब बार बार 23,900 एक ऐसा लेवल है जिसको मार्केट डिफेंड भी कर रहा है और जिसको मार्केट तोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। तो मार्केट अभी 23,900 के पास में फाइनेंस निफ्टी में कंसोलिडेट कर रहा है। दोस्तों, मिड कैप निफ्टी के लिए मैंने आपको बताया था कि मिड कैप निफ्टी को लेकर मेरा व्यू बुलिश है। मार्केट में मिड कैप निफ्टी जितनी बार भी 13,000 से नीचे आने की कोशिश करता है वापस 13,000 के ऊपर जाकर रुक जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इसकी डे की कैंडल लगाता हूँ तो इस डे की कैंडल में आप लोग बड़े आराम से देख पाएंगे कि फाइनेंस मिड कैप निफ्टी 13,000 के ऊपर सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये मेरा व्यू मिड कैप निफ्टी को लेकर था। दोस्तों, मिड कैप निफ्टी के अंदर जो सेटअप बना है वो इस समय पर प्रॉफिट बुकिंग का सेटअप बना है और ये इस समय पर जब तक अपना इस मूविंग एवरेज को नहीं निकाल लेता जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है, जहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है 13,150 का लेवल है, तो जब तक ये 13,150 के लेवल को नहीं निकाल लेता तब तक इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन मेरे को अभी थोड़ा सा कम लगता है। ये 13,150 इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और 13,150 के पास से ये वापस नीचे आने की संभावना ज़्यादा अभी लगता है, जो उसको देखकर लगता भी है। देखो दोस्तों, और ऐसे हम लोगों ने पीछे नोटिस भी किया है। अब दोस्तों, थोड़ा सा हम जरा निफ्टी के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी ने आज हमारे को एक इम्पॉर्टेंट, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने 25,000 के लेवल के नीचे की जो आज हमें क्लोजिंग दी है दोस्तों, डिसाइसिवली निफ्टी की 25,000 के नीचे की क्लोजिंग निफ्टी के फर्दर वीकनेस को दर्शाकर चलती है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस समय ये जो सेटअप है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास में, और अगर निफ्टी 25,000 के लेवल को नहीं निकाल पाता दोस्तों, इसको मैं ठीक करता हूँ, निफ्टी अगर 25,000 के लेवल को नहीं निकाल पाता तो दोस्तों नीचे के जो लेवल को ले 24,331। तो दोस्तों, मेरा व्यू निफ्टी के लिए बेरिश रहेगा और स्टॉप लॉस मेरा 25,000 का रहेगा। 25,000 के नीचे निफ्टी को लेकर मेरा व्यू नीचे के लेवल 24,331 तक के। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं निफ्टी को लेकर मेरा व्यू बेरिश बन जाता है जब तक निफ्टी 25,000 के नीचे, मतलब स्टॉप लॉस बेरिश व्यू का 25,000 है। 25,000 के ऊपर निकलने के बाद 25,000 से 25,100 मेरे को कंसोलिडेशन रहता है और अभी निफ्टी को लेकर मेरा व्यू बुलिश नहीं है, क्योंकि मैं स्टॉक्स को स्टडी करके चलता हूँ, स्टॉक्स के बिहार पर ही निफ्टी के इंडेक्सेस को समझने की कोशिश करता हूँ। तो निफ्टी को लेकर मेरा व्यू भी बेरिश है और बुलिश नहीं है। तो दोस्तों, यही सेम व्यू के साथ हम लोगों ने मार्केट के अंदर अपनी मतलब जो, जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ में उनको निफ्टी की पोजिशनल हेज स्ट्रेटजीज के बारे में रिकमेंडेशन देकर चलता हूँ, जो कि 3 मंथ्स की होती है। दोस्तों, इस समय पर हम लोग नवंबर, दिसंबर और जनवरी की पोजिशन को ओपन करके चल रहे हैं। तो दोस्तों, आप अगर हमारे को इन 3 मंथ्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो इधर नवंबर की पोजिशन के लिए, दिसंबर की पोजिशन या जनवरी की पोजिशन के लिए आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेम एनालिसिस के ब्याज पर हमने क्लाइंट्स को पोजिशन हमें रिकमेंड करती हुई है। और दोस्तों, मैं ये उम्मीद करके चाहता हूँ कि आप इसे किसी तरीके की कोई बायस एंड की रिकमेंडेशन नहीं समझेंगे और आप लोग अपना बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए मार्केट के अंदर अपनी कोई भी पोजिशन को बनाकर चलेंगे। दोस्तों, 24,331 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको बहुत ध्यान से समझ के चलिएगा। एक ये ना मेरा अभी चार्ट के ऊपर इसमें डे कैंडल को सही से सेट नहीं कर रहा, वरना इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। अब इसने सही करा है, एक मिनट के लिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी ना इसमें 5 सेकंड का टाइम फ्रेम दिखा रहा है और ये डे के टाइम फ्रेम पे इसको सेट नहीं कर रहा, ये ब्रोकर के टर्मिनल में कोई दिक्कत है और ये डे के टाइम फ्रेम पे सेट नहीं कर रहा। बहरहाल, ये जो लेवल्स हैं मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिए हैं, आप लोगों को देख के चलिएगा। अब इसी चीज़ को अगर आप FIs DIs की एक्टिविटीज़ के साथ में देख के चलेंगे तो 13,432 करोड़ की
बाई की पोजीशंस को ओपन किया है डीआईज ने, और उससे ज्यादा बड़ी पोजीशंस एफआईज ने बाई की ओपन करी है। लेकिन अगर आप सेलिंग को जाते हैं तो नेट सेलिंग 3435 करोड़ की एफआईज एफडीआई की तरह की गई है। सेलिंग कहने का स्टॉप होती दिखाई दे रही है और अभी मतलब यह कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन डीआईज की एक बाइंग जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि निफ्टी के अंदर अभी नीचे का एक पुल बैक आने की संभावनाएं बनती है। बाकी देख लीजिए दोस्तों, जैसी मार्केट 25,000 के लेवल को क्रॉस करेगा बेरिश ट्रेड हमारे क्लोज हो जाते हैं और वहाँ पर हम लोग अपने पोजीशंस को मतलब एडजस्ट करने की कोशिश भी करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gaurav.sir.in. आप सभी disclaimers को gaurav.sir.in website पर read कर सकते हैं। Thank you so much. आगे बढ़ते हैं। Thank you so much. All the best.